अमेरिका और साउथ कोरिया के जॉइंट एक्सरसाइज से किम जोंग नाराज हैं, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। नॉर्थ कोरिया की अमेरिका की सीधी चेतावनी, जॉइंट एक्सरसाइज के परिणाम भुगतने होंगे, ये नॉर्थ कोरिया कह रहा है। आक्रमण की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ये नॉर्थ कोरिया कह रहा है। तो सीधे सीधे जंग का एक दूसरा हिस्सा खुल गया है, ये नया वॉर फ्रंट जो कि नॉर्थ अमेरिका और ये वर्सेस अमेरिका की लड़ाई है। और अमेरिका और साउथ कोरिया के वॉर एक्सरसाइज से एक वॉर टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है और पहले से ही दुनिया की निगाह यूक्रेन और रशिया पर है। इस बीच अगर अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच वॉर एक्सरसाइज जो शुरू हुई है, जिस पर आपत्ति आनी शुरू हो गई है, अगर ये पूरी हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्या एक नया वॉर फ्रंट खुलेगा? पहले से ही दुनिया में 6 से लेकर 8 वॉर फ्रंट खुल चुके हैं जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है। पूरा यूरोप इस समय टेंशन में है, परेशान है, नेटो देश की हवनींद उड़ी हुई है। इस बीच अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आइए आपको अमेरिका और साउथ कोरिया के वॉर एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जिससे किम जोंग चिढ़ चुका है बुरी तरह से, विजिलेंट स्टॉर्म के नाम से अमेरिका और साउथ कोरिया का ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है और इसको लेकर वॉर एक्सरसाइज में साउथ कोरिया ने F-35 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं जंगे मैदान में। वॉर एक्सरसाइज में 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन फिलहाल हिस्सा ले रहे हैं और इसको लेकर किम जोंग बहुत ज्यादा परेशान भी है, नाराज भी है। युद्धाभ्यास में परमाणु शक्ति से लैस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन भी शामिल है, जो कि आन बान और शान अमेरिका की माना जाता है। कोविड संकट की वजह से पिछले साल वॉर एक्सरसाइज नहीं हो सकी थी, इसलिए इसको 2022 में अंजाम दिया जा रहा है जी। और सोई साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन सोई साहब, आप क्या मानते हैं, ये जो नया वॉर फ्रंट है इस वक्त जो कि सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? नॉर्थ कोरिया वर्सेस अमेरिका, धमकी दे दी है कि अमेरिका आग से नहीं खेले? नहीं, बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं कि आज की बात नहीं, कम से कम पिछले 7-8 महीने से या उससे ज़्यादा समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका साउथ कोरिया वर्सेज नॉर्थ कोरिया, तो ये एक फ्रंट और है। जैसे पहले मिस्टर कपिल ने बताया था कि रशिया यूक्रेन हो गया, चाइना ताइवान हो गया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया हो गया, आप कह रहे थे कपिल, और ये जो लगातार जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कई बार रूटीन एक्सरसाइज भी है जो साउथ कोरिया और अमेरिका ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। ये सेनाएं आपस में अभ्यास करती है ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं। इस समय जो माहौल है उसको देखते हुए यहाँ पर, लेकिन किम जोंग पर जिस पर जिसकी एक्सपर्टीज है, कपिल सर आप बहुत एक्सपर्ट और बहुत इसमें बहुत बारीक निगाह रखते हैं, किम जोंग की नाराजगी को आप कैसे देखते हैं? पहले आपने गिनवाया कि 6 से 8 ऐसे वॉरफ्रंट्स हैं जो खुले हुए हैं, उस बीच अमेरिका के इस वॉर एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं, आप कैसे एसेस करते हैं? देखिए, पहली तो एक बात ये समझ लीजिए कि किम जोंग पागल नहीं है। जिसको ये पागल पागल नहीं है, ये अपने अपने अधिकारियों को कुत्तों के आगे फेंक दे, जो वहां पर लोगों को भूखा मार दे, वो सनकी नहीं है। सर जी, ये आपको प्रोपेगेंडा किसने दिया है? मुझे एक बात बताइए, अमरीकी जो मर्जी कर दे वो सनकी नहीं हो सकते? क्या नहीं किया उन्होंने दुनिया भर के अंदर? लेकिन अगर दूसरा कोई कर दे तो वो सनकी है, वो पागल है। सर, फिर आपके हिसाब से क्या है? आए थे न्यूक्लियर प्लांट के बीच ये कहते हुए कि अमेरिका ये कैसे भूल गया कि उसके खुद के हाथ से, मेरा जो असेसमेंट है नॉर्थ कोरिया को लेके, जब पहले किम इल जुंग होता था और जो जूचे और इनके कॉन्सेप्ट्स थे, ये कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट रिजिम्स के बेस के ऊपर अमेरिकन्स ने डिवाइड करवाए थे वहां। अब उसको वो लेफ्ट राइट की बात तो खत्म हो गई है, क्योंकि चाइना से ही बड़ा कोई कैपिटलिस्ट नहीं है वर्ल्ड के अंदर। अब सवाल आता है इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और उसके हिसाब से इनको क्या स्टैंड क्या लेने हैं। तो नॉर्थ कोरिया भी अकेला घिरा हुआ है, छोटा सा कंट्री, अभी सारन मच गया है, सब उसी को लेकर अपनी छोटी कंट्री से अमेरिका जो उसको धमकाना शुरू किया। खतरे को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि दुनिया में एक और युद्ध का नया खतरा जिस तरीके से है, उसके तहत ये खबर बड़ी है कि अमेरिका और साउथ कोरिया के गठजोड़ से अब किम जोंग नाराज है। चर्चा इसी को लेकर हम कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को लेकर, लेकिन अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की ये तैयारी आप कैसे लेते हैं? इस पर चर्चा करने से पहले निधि,
बिल्कुल बताइए, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह का जो वॉर फ्रंट खुल रहा है, जैसा कि कपिल जी भी बता रहे थे और सोई साहब भी बता रहे थे, ये वॉर फ्रंट कितना खतरनाक हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं बिग बॉल के जरिए कि कितना ये जो नया वॉर फ्रंट है वो और ज्यादा तबाही की ओर आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो लगातार कई मोर्चों पर कई तरह से देशों को साधने की कोशिश करता है। अब साउथ कोरिया से अमेरिका का हित क्या है, और साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर अगर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अमेरिका जो इस वक्त है, अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ आने वाले वक्त में नॉर्थ कोरिया की क्या तैयारी होगी? इस साल 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है, तो नॉर्थ कोरिया पर नजर है कि नॉर्थ कोरिया जो चिढ़ है अपनी निकालने के लिए या खिलाफत निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्लानिंग क्या हो रही है। नॉर्थ कोरिया ने ICBM का टेस्ट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है, और मिडिल रेंज की एक मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है। हाल ही में खबर आई थी, आपको पता होगा कि ये पूर्वी सागर में टेस्ट किया गया था। दो छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई थी नॉर्थ कोरिया की तरफ से, माफ कीजिएगा, परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित करने के लिए कानून भी पारित कर दिया गया है। और नॉर्थ कोरिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना ताकतवर है, और अगर उसके गिरेबान पे हाथ आता है तो फिर वो ताकत दिखाएगा भी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।